भोला मूवी का जो ट्रेलर है वो अभी भी यूट्यूब के ट्रेंडिंग सेक्शन पे ही चिपका हुआ है और ट्रेंडिंग टॉपिक पर रिएक्शन देकर व्यूज लेने से अच्छा क्यों ना उससे हम कुछ सीख ले। पिछले वीडियो के रेस्पॉन्स से मुझे पता चला लोगों को बोरिंग चीजें सीखना पसंद नहीं है, बट बोरिंग चीजों को ही अगर इंटरेस्टिंगली प्रेजेंट किया जाए तो काम बन जाएगा। इसीलिए इस मूवी का ट्रेलर से मैंने एक चीज को ढूंढ निकाला है जिसको आज हम क्रिएट करेंगे, जिसको बोरिंग शब्दों में कहते हैं स्पीड रैंपिंग। वो सब तो ठीक है लेकिन तू हर बार पीसी में दिखाता है, मुझे नहीं। रुक, इस बार तेरे लिए भी कुछ है, मोबाइल पर भी दिखाऊंगा और एंड में एक ऐसा ट्रिक दिखाऊंगा जिससे तुम्हारा कलर ग्रेडिंग का प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। सो स्टे टिल द एंड। बट इसे यूज कहाँ करेंगे? इस इफेक्ट को तुम किसी भी क्लिप का सर्टेन पार्ट को हाईलाइट करने के लिए या फिर एक एपिक मोमेंट को और अच्छे से दिखाने के लिए यूज कर सकते हो। इसके अलावा बीरोल्स के बीच में एक ट्रांजिशन की तरह यूज कर सकते हो जो देखने में खतरनाक लगेगा। स्पीड रैंप इफेक्ट को एक कूल ट्रांजिशन की तरह यूज करेंगे। तो मेरे पास जूम आउट एंड जूम इन ये दोनों अलग अलग क्लिप्स हैं जिनको पहले रिवर्स करना होगा दोनों क्लिप्स में फ्लो क्रिएट करने के लिए। तो फर्स्ट क्लिप को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, चले जाएंगे स्पीड एंड ड्यूरेशन पर और रिवर्स स्पीड पर टिक करके ओके। इसी तरह से सेकंड क्लिप को भी रिवर्स कर लेंगे, कंट्रोल आर, रिवर्स स्पीड ओके। अब अगर देखोगे तो दोनों क्लिप्स में एक फ्लो आ चुका है। दोनों क्लिप्स के बीच में ये जो कट है इसको हाइड करने के लिए हम यूज करेंगे स्पीड रैंपिंग को। इस ट्रैक का हाइट को इंक्रीज करने के लिए कर्सर को ट्रैक के ऊपर रखेंगे, ऑल्ट प्रेस करके स्क्रॉल करेंगे। अब येलो कलर का ये छोटा सा बॉक्स में जो इफेक्ट्स लिखा है उस पर राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे टाइम रिमैपिंग देन स्पीड। इस क्लिप में भी सेम, अब देखना है किस पार्ट से क्लिप को फास्ट करना है। वहाँ पर कंट्रोल एंड क्लिक करके एक पॉइंट ऐड करना है और सेकंड क्लिप में यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करेंगे। इस क्लिप का एंडिंग पोर्शन और सेकंड क्लिप का स्टार्टिंग पार्ट को फास्ट करेंगे। अब इस क्लिप को ऊपर के ट्रैक में रख देंगे। नाउ कर्सर को मिडिल पे ले आकर इस लाइन को ऊपर की तरफ ले जाना है जिससे स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, मैं लगभग 200% करूंगा। अब अगर प्ले करके देखोगे तो इस पार्ट का स्पीड बढ़ चुका है। नाउ इसे और स्मूथ करने के लिए टाइम लाइन को बढ़ा करके ट्रैक का हाइट को भी बढ़ाएंगे, देन इस मार्क पर क्लिक करके ड्रैग करेंगे। अब इस पार्ट को तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो किसी भी एक पॉइंट को सिलेक्ट करने से ये ब्लू कलर का हैंडल आ जाएगा। अब इसे ड्रैग करके अप एंड डाउन को स्मूथ कर सकते हो। अब दूसरे क्लिप के स्टार्टिंग पार्ट को भी फास्ट करेंगे और सिमिलरली स्मूथ कर लेंगे ट्रांजिशन को, और मैं एंडिंग पार्ट को थोड़ा सा स्लो करूंगा नीचे की तरफ ड्रैग करके। अब इन दोनों क्लिप्स को एक साथ लाएंगे और एंटर प्रेस करके रेंडर कर लेंगे बेटर प्लेबैक के लिए। अब इस पे एक छोटा सा फाइनल टच ऐड करेंगे जिससे इफेक्ट और अच्छा लगेगा। सो फर्स्ट क्लिप का एंडिंग में एक जूम इन इफेक्ट ऐड करेंगे, स्केल पे एक की फ्रेम ऐड करके थोड़ा सा आगे जाएंगे और स्केल को बढ़ाएंगे और इस पॉइंट को लास्ट फ्रेम पर मूव कर देंगे। नेक्स्ट फुटेज पर उल्टा करना है, स्केल पर एक की फ्रेम क्रिएट करके उसको बढ़ाना है और कुछ फ्रेम्स आगे जाकर स्केल को नॉर्मल कर देंगे बस। बीरोल शूट करने के समय ही अगर स्पीड रैंप करने के लिए अलग से मोशन ऐड करोगे तो इफेक्ट और क्रिएटिव लगेगा। स्पीड रैंप इफेक्ट को फोन पर क्रिएट करना और भी आसान है। ओपन कर लेंगे VN एप्लीकेशन को, प्लस आइकन पर टैप करके क्रिएट कर लेंगे न्यू प्रोजेक्ट, वीडियोस को सिलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। नाउ एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्ट करेंगे 16:9। अब मैं इस क्लिप को पीछे ले जाना चाहता हूं तो क्लिप को होल्ड करके स्लाइड कर देंगे। अब फर्स्ट क्लिप को रिवर्स करेंगे, रिवर्स पर टैप करके इफेक्ट को डालने के लिए जाएंगे स्पीड पर। नाउ एंडिंग पार्ट का स्पीड को बढ़ाएंगे इन पॉइंट्स को ऊपर की तरफ करके, सामने का पॉइंट्स को थोड़ा सा नीचे करेंगे जिससे स्लो हो जाएगा। नाउ सेकंड क्लिप का स्टार्टिंग पार्ट को फास्ट करेंगे और एंडिंग को स्लो, देन इस प्लस पर टैप करके एक जूम ट्रांजिशन ऐड कर देंगे और ड्यूरेशन को एडजस्ट कर लेंगे क्लिप के हिसाब से। डन। और जो लोग अभी तक है उनके लिए एक स्पेशल ट्रिक, जैसा मैंने बताया था, देखो तुम्हारा स्किन टोन तो हर वीडियो में सिमिलर ही होगा और कुछ बेसिक एडजस्टमेंट्स भी सिमिलर होगा, तो उनको बार बार वीडियोस पे ना करके एक प्रीसेट क्रिएट करके रख सकते हो। पहले एक फेस कैम वीडियो के ऊपर बेसिक एडजस्टमेंट्स और कलर करेक्शंस कर लो, देन इफेक्ट्स कंट्रोल में जाकर उस लुमेट्री कलर इफेक्ट को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक देन सेव प्रीसेट, कोई भी नाम डालकर ओके। अब इफेक्ट्स विंडो में प्रीसेट फोल्डर के अंदर तुम्हारा प्रीसेट रहेगा, वहां से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है बस। अब जैसे मैंने यहाँ पर क्लिप्स को कट कर लिया है तो हर एक क्लिप पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके इफेक्ट डालने में बहुत वक्त लगेगा, उसका जुगाड़ भी है। किसी भी क्लिप को सिलेक्ट करो, चले जाओ इफेक्ट्स कंट्रोल में, तब देखोगे लेफ्ट साइड के कॉर्नर में सोर्स लिखा है, वो कट किया हुआ क्लिप्स का मेन फाइल है, तो सोर्स पे जाकर इफेक्ट्स को डाल दो, बस सारे क्लिप्स में इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। और इतना जल्दी 2000 सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए सबको दिल से थैंक यू सो मच, मैंने सोचा भी नहीं था इतना जल्दी हो जाएगा। और तुम्हारे पास अगर पुराना DSLR है तो उसे अंडरएस्टिमेट मत करना, क्योंकि हो सकता है तुमने अभी तक ये सब ट्राई ही नहीं किया हो। जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।